नोटो रख लिए। मैदान के ठीक पश्चिम में छोटे छोटे प्रवेश की यह टीम है डीआर ब्रदर्स की टीम के खिलाड़ी। हालांकि डेंजर क्लब चंडील टीम के सभी स्टार प्लेयर हैं, कई बड़े बड़े 2 लाख 3 लाख 5 लाख 7 लाख टूर्नामेंट में भी विनर और राणा के खिताब जीत चुके हैं। तो ऐसा लगे कि हीरो आईसीएल का मुकाबला हो, इस तरह का मुकाबला देखने को मिलेंगे आज के इस फास्ट का तीसरी दफा के मुकाबला में। चलिए अपने टीम की अगर बात करें थोड़ा सा इनका भी परिचय हो जाए, करीब से हम जानने का प्रयास करेंगे। सुदेश मुरु जैसे में 1 पर है, मनसिंह मुर्मू जैसे में 33 पर है, सुनू टप्पा जैसे में 27 पर है, प्रहलाद सरदार जैसे में 66 है, बुद्धेश्वर सरदार जैसे में 52 में है, सागर सागर जैसे 48 पर है, लुलू टुडू जो कप्तान का जिम्मेदारी निभाते हुए खेल को दर्शाएंगे जैसे में 11 पर है, रुपेश सोरेन जैसे में 19 पर है, मधु सरदार जैसे में 10 पर, राजन मुर्मू जैसे में 88, शनि पुर्ती जैसे में 99 और खगन टुडू जैसे नंबर 40 के तौर पर है मिस्टर नगेश हंसदार, उसके साथ साथ है मिस्टर बिरजू मंडाया। ये है घनश्याम जिसे 5 बार अच्छी समझ भरी खेल को खेलते हैं। जब घनश्याम साधे खिलाड़ी के लिए गेंद को डाला, सुनील लोहार स्टार दादा स्टार है सुनील लोहार जिसे 9 हंसदा जैसे नंबर 2 15 के लिए गेंद को डाला गया दुलू सोरेन के लिए। दुलू सोरेन इस बार पास किए धोना हंसदा के लिए गेंद को डाला गया। अच्छी तालमेल अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ अच्छी एक्यूरेसी पास मैन टू मैन पास करते हुए डेंजर क्लब चंडील टीम के खिलाड़ी डीआरएस समझ चाहूंगा डी ब्रदर्स टीम पे तरफ से टीम को फाइनेंस किया है। चलिए मौका बन सकता गोल करने का तरुण इस बार अच्छी क्लियरेंस किए हैं घनश्याम गेंद के लिए गेंद को डालने का प्रयास किया था घनश्याम। अलग भी शुरुआती दौर है मैदान का कंडीशन के समझ नहीं पाए हैं जैसे जैसे वक्त बीतता जैसे जैसे समय बीतते जाएंगे वैसे वैसे मैच की रफ्तार बढ़ेगी। जो दर्शक पहुंच चुके हैं बिल्कुल इस मैच को देख रहे हैं वो काफी खुश है। ध्यान देंगे अगले जो मैच होगी जी परगना वर्सेस पूजा स्पोर्टिंग। अगला मैच जी परगना वर्सेस पूजा स्पोर्टिंग दोनों दल के टीम के खिलाड़ी से आग्रह है। हंड्रेड पेपर्स के गोलकीपर पेनाल्टी शूट आउट के जरिए हंड्रेड पेपर्स ने अगले चक्र के लिए जगह को सुरक्षित किया है। चलिए दर्शकों का दिल जीतने में डी आर एस एस ए बिल्कुल कामयाब जरूर हुए लेकिन मैच में आपको हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं आपकी फिनिशिंग लाइन सही नहीं थी जिसके कारण आपको हार का सामना करना पड़ा। हंड्रेड पेपर्स के गोल के बाद चलिए सुनील सोरेन को दिया जाता है मैन ऑफ द मैच। अच्छी गोलकीपिंग करी जिसके कारण आज इनको मैन ऑफ द मैच के तौर पर मेडल देकर सम्मानित किया जाता है। मैम प्रहलाद बाहर में जोर जोर जा कुछ
बधु मधु भाई चलिए अच्छी मौका हो सकता है यहाँ पर डेंजर कर चंडी के खिलाड़ी मौका बनाने के प्रयास पर है अच्छी मोमेंटम को तैयार किया था मगर इस बार गेंद सीज लगी है सीमारेखा के बाहर लॉ नंबर 15 के तहत ट्राइंग का मौका मिलेगा अच्छी थ्रो अच्छी कंट्रोल भी किए थे मगर इस बार सही पास नहीं रहे रिजल्ट पर पहुंचा देंगे चलिए अच्छी मौका बनेगा वाह मगर तरुण है गोलकीपिंग में उतना आसान सा गोल नहीं खाएंगे तरुण का काफी ज्यादा डाला गया है मौका बनेगा सुनील लोहार के काल मौजूद है सुनील लोहार गेंद को मांगते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी होता हुआ एक टीम का पल्ला भारी होता हुआ डीआर ब्रदर्स का लेकिन दोनों ही दल की अगर बात किया जाए हम किसी से कम नहीं पीठ पे जब पत्थर से देते हैं घनश्याम इस बार जिसमें तेरे भीम हसदा के लिए गेंद को डाला है इसमें सुनील लोहार अच्छी समझ भरे खेल को खेलते हैं मगर काफी सारे पैसे ना बहा चुके हैं अब तक कोई स्कोर नहीं आई इस मैच में स्कोर जरूर आएगी कुछ हो ना हो लेकिन स्कोर जरूर आएगी ये सभी दर्शक उम्मीद कर रहे हैं अच्छी रहेगी यहाँ पे कमाल का खेल गेंद को थोड़ा सा अगर होल्ड करते थोड़ा गोल पोस्ट को निगाहें उठा के देखते तो फिर कहीं ना कहीं बद बन सकते थे अविनाल स्पॉटिंग के लिए अविनाल 15 नंबर के लिए धूली फॉरन के लिए गेंद को डाला घनश्याम मौजूद है अच्छी हेडिंग भी मौजूद था व्हाट अ मैच ऑनगोइंग इफ आई टॉक अबाउट दिस स्कोर देन आईएफए लॉ नंबर 4 के तहत चलिए मैच स्टार्ट हो चुकी है सेकेंड हाफ में घनश्याम भीम के लिए गेंद को डाला गया सुनील लोहार के लिए डलने का प्रयास किया गया था सुनील लोहार है 100 सोनर का एक लोहार यहां पे मौजूदगी में वर्तमान समय में मगर अभिनाल क्या गजब का तालमेल के साथ खेल रहे हैं जानते हैं डेंजर एक खतरनाक प्लेयर है डेंजर है इनको अगर उस तरह का मोमेंटम मिलेगी उस तरह का मौका मिलेगा तो फिर गोल निश्चित तौर पर करेंगे अच्छी साफ सुथरा पास दर्शा रहे हैं घनश्याम सुनील लोहार अच्छी तालमेल अच्छी कुरेशी पास सुनील लोहार पहले गोल होती किधर ये कहना मुश्किल मगर इसे सुनील लोहार के लिए मौका बनेगा अच्छी प्रयास थी सुनील लोहार नजदीकी मामला हो सकता था 18 यार्ड बॉक्स जगह पर गेंद को रिलीज किया गया था मगर सही तरीके से गेंद को दिशा नहीं दे पाए जिसके कारण लॉन्ग क्लियरेंस आई तमोरदार शॉट काफी दूर से प्रयास लेग फुट के जरिए
अच्छी गोलकीपिंग करते करते हुए नजर आ रहे हैं सुदेश मुर्मू। बड़ा का था फास्ट ऑन लिया तेसर नंबर मैच चला करना मैदान खुद पश्चिम नगर पास चांदो हिस्से पास जहां टीम चले करना उन्हें टीम दोहियो करा इसी चीज से जाना जाता है सुनील लोहार लोहा लोहा को काटता है और यहाँ पे लोहा काट दिया है सुनील लोहार ने। लोहार काबिली तारीफ करना चाहूंगा, दिल से धन्यवाद दूंगा डीआर ब्रदर्स के फाइनेंसर को अमित कुमार महतो को जो आपने इतनी बेहतर टीम को फाइनेंस किए थे। चलिए अच्छी बात आज की सेजमेंट में कई बड़े बड़े सितारे देखने को मिल रहे हैं मगर एक गोल से संतुष्ट नहीं होंगे डेंजर के आप चंडील टीम के खिलाड़ी भूखा है और अभिनाल के ये है हीरो घनश्याम। लोहार के लिए गेंद डालने का प्रयास किया गया है भीम गेंद के पीछे अभिनाल के पास भी गोल देने की क्षमता है कबलित है किसी भी वक्त मैच को बदल सकते हैं अगर चाहेंगे तो। लाल इस बार मौका बनेगा काफी तेजी गति के साथ खेत को आगे को ड्रिबलिंग करते हुए अच्छी प्रयास जी नहीं बंदाबाद ने गेंद को होल्ड किया बॉडी को मूव किया लालू बोले बोले लालू पुनः 11 नंबर ले लो टूडू मगर इस बार गलत प्रयास मैच रिपीट कर कहीं ना कहीं मैच में बदलाव आएगी ये उम्मीद है अभिनाल के भैनन सर का साथ ही साथ टीम के कप्तान का। अच्छी प्रयास अच्छी कोशिश हो रही है जीत और प्रयत्न कर रहे हैं मगर अभी भी गोल को बराबरी करने में असफल है। जैसे मैं 99 में किक लगाने का प्रयास करेंगे फाउल किक के तौर पर ये मौका मिला अभिनाल इस बॉडी को शून्य पूर्ति और अभी अभी आए हैं जैसे मत दस ये है पुचावन कटप्पा गजब का स्टाइल किए हैं कटप्पा की तरह ही लग रहे हैं पुलचान काफी अच्छी टीम दोनों ही दल वाह लुलु टुडु है कमाल का स्किल दिखाते हुए लुलु टुडु विदेशी प्लेयर की तरह नजर आ रहे हैं लुलु टुडु। अगर अभिनाल इस बॉडी में लुलु टुडु जैसे और तीन चार प्लेयर होते तो फिर डेंजर के लिए भी खतरा हो जाता है डेंजर के लिए भी दिक्कत हो सकता था। चलिए ध्यान देंगे अगला जो मैच होगी जल्दी खेलना
तानी जान रे कुछ राहत की सांस सभी दर्शक को भी मिल चुका है इस मैच देखने के बाद। ऐसा देश बहुत कम देखने को मिलता है, हर बड़े टीम देखने को मिलता है। यह ऐसा ऐतिहासिक मैदान है। बहुत तरुण, क्या गजब का अपने स्टाइल दिखा है, जैसे अपने गर्लफ्रेंड को बाहों में लिए उसी तरीके से गेंद को अपने बाहों में लिए। अलग स्टाइल, अलग वे बता रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज। मौका बनेगा यहाँ पे लूलो टूरो के लिए। वाह, धड़कन रुक जाएगी, सांसें थम जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा मुकाबला चलता हुआ बेहतर मोमेंटम को हुनर माना जाता है, मशहूर माना जाता है, कलाकारी माना जाता है। ध्यान देंगे जितने भी दर्शक मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर या साइकिल से आप लोग मैच का आनंद उठाने आ रहे हैं, मैदान के समीप प्रस्थान कर रहे हैं, आप सभी से आग्रह है कि क्या रोड से दूरी बनाकर ही मोटरसाइकिल और साइकिल और फोर व्हीलर को पार्किंग करिएगा, जिसे किसी भी सज्जन का आने जाने में असुविधा ना हो। इस बात का ध्यान में देते हुए आप भी सहयोग करिएगा टूर्नामेंट को सफल बनाने में। चलिए दर्शकों का दिल